तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, भारत के लिए गर्व की बात। बैडमिंटन में लहराया तिरंगा, भारत ने पहली बार थॉमस कप अपने नाम कर लिया है। लक्ष्य टीम ने यह कमाल कर दिखाया है। भारतीय बैडमिंटन टीम ने पहली बार थॉमस कप खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल में 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से क्लीन स्वीप किया है। 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर भारत ने इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से क्लीन स्वीप किया। पहले मैच में लक्ष्य सेन ने एंथनी सिनिस्का को 8-21, 21-17, 21-16 से हराया। दूसरा मुकाबला डबल्स में अगर देखा जाए तो किदांबी ने तीसरा मैच जीता और खिताब पक्का किया। बैडमिंटन में तिरंगा लहराकर भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है। थॉमस कप पहली बार भारत के नाम। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आरिफ खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।